का चल रहा है फोटो सेशन। पीछे स्टैचू ऑफ यूनिटी की बसेस हैं, जो भी आप लोग अगर टिकट्स निकालते हैं तो इसकी फ्री सर्विस रहती है कि आपको ये स्टैचू ऑफ यूनिटी पे पहुंचाएगी। अब यहाँ से 6 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस है, तो बस में 1 by 1 करके जा रहे हैं। टिकट चेकअप कराने के बाद फिर हम 6 किलोमीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँच जाएंगे। हम लोग अपने होटल से और स्टैचू ऑफ यूनिटी के पॉइंट से आ गए। स्टैचू ऑफ यूनिटी इस टाइप की कुछ आपको बस सर्विसेज मिलती हैं, और बैक साइड में मेरे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम लोग वहाँ के लिए एंटर हो रहे हैं। और बहुत अच्छी बस सर्विस है, फुल्ली एसी बस मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप टिकट्स ऑनलाइन बुक करते हैं या ऑफलाइन मोड पर टिकट्स बुक करते हैं तो मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मम्मी का पहला एक्सपीरियंस था फ्लाइट में कल बैठनी, कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। फ्लाइट का पहले एक्सपीरियंस करा दिया, कार का एक्सपीरियंस हो गया, बस का एक्सपीरियंस भी करा दिया, और अब बच्चा स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक्सपीरियंस। गुजरात वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस दिखाएंगे। और ये देखिए हमारे साथ खाते खाते, अभी ब्रेकफास्ट करके आई है लेकिन तब भी खाना है इसको। तो आगे अब क्या देखना है? स्टैचू ऑफ यूनिटी देखना है। चेकिंग कराने के बाद हम लोग आ गए हैं, और पीछे हमारे स्टैचू है। यहाँ पे आपको फ्री लॉकर सेवा मिलती है, और खाने के प्रोडक्ट्स भी आप ला के उसमें रख सकते हैं। यहाँ पे जो गार्डन है हम लोग वहाँ पे आ गए हैं, और पीछे वहाँ पे स्टैचू है हमारे, कि मैं दिखाता हूँ। ये रहा स्टैचू, एंड यहाँ से एंट्रेंस होते हैं, अंदर के लिए एंट्रेंस है। और पीछे यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे फ़ोटो सेशन का एक फ़ोटो सेल्फी पॉइंट है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सेम एज यूजुअल एज हॉलीवुड स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो देखिए और सिक्योरिटी चेकिंग हुआ, वो हम करा के इधर आ गए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर एंटर हो गए। और ये हमारे साथ प्रिंस हैं, तो ये अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस। बताओ। बहुत चेकिंग होती है, बहुत चेकिंग तो करेंगे ही, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हमारे लिए चीज़ों को सेफ कर सकें। ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलता है, ऐसे आपको चलना कम पड़ेगा। अगर सीनियर सिटीज़न आपके साथ है तो आप इजी ला सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये देखिए ये सीनियर सिटीज़न हमारे साथ और ये तो कितने छोटे छोटे से हम लोग लग रहे हैं। और ऊपर देखिए, अभी वहाँ पे ऊपर तक जाना है, उसका भी हमने व्यूइंग गैली का टिकट लिया है, तो वहाँ जाते हैं, अंदर का एक्सपीरियंस दिखाते हैं आपको। और ये आगे यहाँ का एंट्रेंस गेट। फिलहाल हम लोग आ गए हैं 135 मीटर सरदार वल्लभ जी के जो हार्ट था उसमें आ गए हैं। और यहाँ पे हमें आने में टाइम लगा ओनली 40 सेकेंड। जो यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट है वो इतनी फास्ट है। और यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, बाकी पीछे डैम है, यहाँ से डैम दिखता है। और इसके ऊपर टोटली 182 मीटर लॉन्ग है, और 130 पे हम लोग आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, वहाँ से आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। पीछे हम लोगों ने अपनी प्लेज क्रिएट की, मैंने की, दीदी ने की, और बाकी सब लोगों ने अपनी प्लेजेस क्रिएट की, अपने डिटेल्स डाला, और हम लोगों ने प्लेज लिया है आज अलग अलग करने के लिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे लिए प्राउडफुल मूवमेंट है कि हम वर्ल्ड्स के सबसे बड़े स्टैचू के मालिक हैं। इंडिया स्टैचू ऑफ यूनिटी पे है, और इंडिया ओनर है सबसे बड़े स्टैचू का, तो ये प्राउडफुल इंडियंस है। कहाँ गए हैं, कहाँ गए बताओ। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पैर के पास, और पैर पे देखो कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं। पीछे स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर लॉन्ग, ये देखिए। और पीछे नर्मदा रिवर एंड डैम। बाकी यहाँ का मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फोटो सेशन सबका चल रहा है, फोटो सेशन हो रहा है, और हवा भी अच्छी सी चल रही है, हवा चल रही है। आई थिंक कि विंड नॉइस आ रहा होगा तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि माइक वगैरह मैं लाया नहीं हूँ, मुझे पता नहीं था क्या ये चीज़ें यहाँ अलाउ नहीं है। आप GoPro एंड कैमरा ला सकते हैं, बैकपैक भी आप ला सकते हैं, अलाउ है यहाँ पर। और ये इतना बड़ा सा स्टैचू ऑफ यूनिटी, और धूप भी सही है, 30 डिग्री टेम्परेचर है, 30-31, तो ज़्यादा मौसम भी वैसा नहीं है, एंड ठंडा ठंडा वेदर है। पीछे डैम है नर्मदा रिवर, और डैम आप देख सकते हो। इधर पूरा आपको माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिखेगा, और इधर साइड में एक ब्रिज है आपको दिख रहा है, इंटर कनेक्शन कर रहा है। ये बहुत अच्छा व्यू है यार, मज़ेदार प्लेस है, विजिट करने वाली है, वर्थफुल प्लेस है, आप आ सकते हैं यहाँ पे पूरा। और किसी भी रीज़न से अगर ब्लॉग और वीडियो और अगर ये स्टैचू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट डाउन करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और सबको सजेस्ट करो कि आगे एक बार ज़रूर विजिट करें यहाँ पर। फिलहाल हम लोग ऊपर से नीचे आ गए। अब आपको एक नई चीज़ मैं दिखाता हूँ कि जो वो सेकंड वाला बटन है, एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक इनका सेकंड बटन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। हम लोग यहाँ से होके आए, थोड़ा वीडियो शेकी हो रहा है, वहाँ तक हम लोग होके आए हैं। वो देखिए जाल दिख रहा है, वहाँ पर हम लोग होके आए हैं, जाल है वहाँ पर हम लोग होके आए हैं, और इस टाइम हम लोग यहाँ पर हैं। ये देखिए फिलहाल हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी से बाहर आ गए हैं, मीन्स बोले तो स्टैचू से बाहर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्लॉट होता है आपको टाइमिंग के स्लॉट्स मिलते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक स्लॉट्स चलते हैं, 2-2 घंटे के स्लॉट्स। मतलब हमारा जो टाइमिंग था वो था, पहला स्लॉट होता है 8 से 10, हमारा जो था 10 से 12 का स्लॉट था। तो इसमें टाइम हो गया है अबाउट 11:55, तो हम लोग अपने टाइमली बाहर आ गए हैं, क्योंकि शायद अगर आप टाइमली ना निकलो तो माइनस मार्किंग एंड ऐसा कुछ रहता है। बाकी मैं देखता हूँ अगर ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ तो इसको यहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया होगा। मिलते हैं आगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और वो भी सेम डे का ब्लॉग रहेगा, तो आगे का एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना।